श्री प्रभु भगवद योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमांग प्रकाशी में ध्रुव ज्ञायुक समाभी भगवान आत्मा के सहस रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। जगती परम उपाधि भूत कोई तत्व है, वह मोक्ष तत्व है। उस मोक्ष तत्व की सिद्धि के लिए एक क्रम है। अक्रम से कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष एक अवस्था है, मोक्ष नहीं जीव का स्वभाव। मोक्ष एक अवस्था है, मोक्ष नहीं जीव का स्वभाव। जीव का स्वभाव जो है वो ज्ञान दर्शन है। मोक्ष अवस्था वह जीव की अवस्था है जिस अवस्था के उपरांत पुनः जीव असमान जाति अवस्था को प्राप्त नहीं होता। मोक्ष एक अवस्था है, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, मोक्ष एक अवस्था है यानी मोक्ष एक पर्याय है। और जीव द्रव की स्वभाव द्रव्यंजन पर्याय का नाम मोक्ष है। बराबर, जीव द्रव की स्वभाव द्रव्यंजन पर्याय का नाम मोक्ष है। जीव द्रव की स्वभाव द्रव्यंजन पर्याय का नाम मोक्ष है। जहां पर संपूर्ण कर्मों का अभाव है, अनुपम है, अचल है, मित्र कैसी हो, जिस अवस्था को प्राप्त होने पर पुनः संसार की कोई अवस्था नहीं होती, ऐसी मोक्ष की सिद्धि के लिए जिसकी आराधना एक ऐसी पर्याय है जिसकी आराधना तीर्थंकर जीव करता है, ऐसी अवस्था जिसकी आराधना हरि हर ब्रह्मा ईश्वर तीर्थंकर सब करते हैं, वह है मोक्ष अवस्था जिसकी आराधना तीर्थंकर जैसा जीव करता हूं। और विश्व संसार में तीर्थंकर से बड़ा कोई पद नहीं है, संसार में तीर्थंकर से बड़ा कोई पद नहीं है। ऐसा पदवीधारी जीव मोक्ष तत्व की आराधना करता है। उस मोक्ष तत्व की आराधना की जो साधना है वो क्रमिक है। ऐसी क्रम भावी पर्याय जिसके उपरांत फिर किसी पर्याय का उद्भव नहीं होता, उसका नाम है मोक्ष पर्याय। जीव द्रव के स्वभाव द्रव विंधन पर्याय। तो मोक्ष को जीव का स्वभाव नहीं स्वीकार किया आपने? हाँ, हम भोला मोक्ष को जीव का स्वभाव नहीं स्वीकारते। स्वभाव त्रिकालिक होता है, स्वभाव त्रिकालिक होता है डॉक्टर साहब, इसलिए मोक्ष को जीव का स्वभाव नहीं कह पाएंगे। स्वभाव त्रिकालिक होता है, मोक्ष त्रिकालिक यदि हो गया तो संसार में मोक्ष हो जाएगा। आत्मा त्रिकालिक मुक्त नहीं है। ये जो नए दृष्टियां हैं ये वस्तु तत्व को समझने के लिए हैं। ये नए दृष्टियां हैं। आपको मोदी जी मालूम होगा, आपके घर में पुराने काल में बोरे के अंदर का धान जानने के लिए एक परखी होती थी, परखी अभी भी होती होंगी। तो भरत भैया केसर पाटोदी जी एक परखी, वो परखी को ऐसे बोरे में डाला, बोरा नहीं खोलना पड़ता, दाने भर के आ जाते हैं।
यही नई की दृष्टि है। बोरा नहीं खोलना पड़ता, दाने भर के आ जाते हैं। जैसे परखी के अंदर दाने भर के आ जाते हैं, ऐसे नए के माध्यम से एक विषय भर के आ जाता है। प्रमाण जो है वो भरा बोरा है, प्रमाण जो है ये भरा हुआ बोरा है, और परखी क्या है? नए। तो नए स्थानीय परखी, प्रमाण स्थानीय भरा हुआ धान्य का बोरा। नए क्या है? इन्होंने भैया ने कहा कि शुद्ध निश्चय से आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। मैं कभी मना नहीं करता हूं, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध व्यार्थिक नहीं नु सर्वे संसार जीवा सिद्ध सद्रक शुद्ध आत्मा। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध व्यार्थिक नए से संपूर्ण जीव सिद्ध के समान शुद्धात्मा है। अब प्रश्न, सिद्ध के समान शुद्धात्मा है, हमने कहा महावीर बाकलीवाल जी ऐसे बैठे जैसे चक्रवर्ती बैठा हो, तो ऐसे बैठे चक्रवर्ती बैठा हो इसका मतलब सदृश, और सदृश में वही नहीं होता, सदृश में वही नहीं होता, वत होता है। सदृश में वत होता है मतलब महावीर बाकलीवाल चक्रवर्ती नहीं है, चक्रवर्ती जैसे। इसी प्रकार से ज्ञानियों, जो संसारी जीव है उस सिद्ध के समान शुद्ध है, कर्मोपाधि निरपेक्ष। जैसे सिद्ध परमात्मा कर्म शून्य व्यक्त परमात्मा है, ऐसे आप शुद्ध निश्चय से भी व्यक्त परमात्मा नहीं हो, बराबर व्यक्त नहीं हो। वो तो परखी ने दाने दिखा दिए, नए ने हमें बता दिया है कि आप भी कर्मपादी निरपेक्ष देखोगे ना, तो ये तो इस नए को लोग जानते नहीं है, ये तो नरियल बता देता है। पानी को परखने वाले लोग एक सिपल हाथ में लेते हैं और जहां कुआं खोदना है उस सामने से लेके चलते, वो नरियल खड़ा हो जाता है जहां पानी होता है। तो नरियल जो खड़ा हो गया जहां पानी होता है, नरियल खड़ा हो जहां पानी होता है, तो क्या नरियल ने पानी दे दिया? समझ नहीं, एक विषय को नरियल ने पानी दे दिया कि आपको पानी पी लोगे क्या आप तुम वहां से? नहीं, अभी तो पानी पीने के बहुत दिन है, फिर भी खुशी शुरू हो जाती है मोदी जी कि हमारे खेत में पानी है। बोले क्यों? नरियल खड़ा हो गया। जैसे जिस किसान को अपने खेत में पानी के लिए कुआं खोदना था, वो नरियल के खड़े होने पर खुश हो जाता कि हमारी भूमि में पानी है, ऐसे ही शुद्ध निश्चय ने तुम्हें खुश कर दिया। अरे भाई तू भी भगवान है, तू भी भगवान है, लेकिन नरियल कह रहा है कि मैंने पानी तो बता दिया लेकिन पिला नहीं पाऊंगा, पहले खुदाई कीजिए आप तब निकलेगा। ऐसे ही शुद्ध निश्चय ने बता दिया कि विशुद्ध सागर तुम भी भगवान हो, ओ ज्ञानी जितने बैठे सब भगवान हो, लेकिन ये बता दिया है अब खुदाई कीजिए आप। बिना चारित्र के रत्नात्रि की आराधना के बिना आपको मेरे लिए सिद्ध प्रभु की पर्याय का पानी पीने को नहीं मिलेगा। इसलिए सूचक यंत्र को सूचक यंत्र मानिए। हाँ, आनंद आ गया, अब चलते यशोधर सागरी, आपसे कुछ बात करना मुझे। हाँ सुब्रत सागरी, ध्यान देने से बात क्या करना है। जिन जिन जीवों को, अब तो नरियल ने बता दिया पानी है, और नरियल ने पानी बताने के उपरांत क्या पानी पी लोगे उस भूमि का? जो पानी बताने वाला था वो दूसरा आदमी था, सुब्रत सागर जी, वो गया, वो गया वास्तुकार, पानी बता के चला गया पर पानी पिला के नहीं गया। अब फिर वो किसान दादा हमारे प्रकाश मोदी, किसान दादा बोल रहा हूं, किसान दादा प्रकाश मोदी अब भी बैठ कर अपने मित्रों के बीच में जुगाड़ करते, भाई अब कहां से लोगों को बुलाऊं, और एक सफाई करने वाला भूमि का अलग आदमी बुला के लाएंगे, फिर यदि उनको यदि ट्यूबवेल खुलवाना है तो वैसी व्यवस्था सोच रहे हैं, कुआं खुदवाना है तो वैसी व्यवस्था देख रहे हैं, फिर भी विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पानी बता के चला गया पंडित जी, पानी बता के चला गया,
सभी शुद्ध हूँ शुद्धनिया। पानी बता के चला गया जी, सभी शुद्ध हूँ डॉक्टर बच्चू कुमार जी, सभी शुद्ध हूँ शुद्धनिया। शुद्ध ने आपको बता दिया सारे जीव शुद्ध हैं, लेकिन ऐसा सुना सजल काला ने कि प्रकाश मोदी के खेती में पानी है, तो पानी इतना सुन लिया खेत में पानी है, ये भाई साहब दौड़ के पहुंचे दुर्ग से, बोले सुना है कि अच्छा पानी है। वहां पहुंचे खेत में तो धूल उड़ रही थी, बोले हमने तो सुना था प्रकाश मोदी खेत में पानी है, उसमें तो धूल उड़ रही है। अरे मित्र तुम क्या सुना, तुमने सही सुना लेकिन समझ नहीं पाए, सही सुना। ये राकेश पंडित जी को समझा रहा हूं, सही सुना खेत में पानी है, सजल का नाम ही सजल था, वो पहुंच गया, बोले पानी है खेत में भाई मोदी की खेती है। वहां गए तो धूल उड़ रही थी, गर्मी का मौसम था, धूल उड़ रही थी। बोले ठग लिया लोगों ने, क्यों, मैं तो आया था कि हमने सुना था कि जैसे दुर्ग की नसिया के कुआं मीठा पानी निकल पड़ा है, ऐसे मोदी खेत में निकल पड़ा। भाषा पकड़ना, मीठा पानी निकला है, मीठे पानी निकला, कौन बोल रहा, जो नरियल खड़ा किए थे छड़ लिए घूम रहा था तांबे की, वो कह रहा मीठा पानी है यहां पर, तो सब क्या बोले मीठा पानी निकल पड़ा, अभी निकला नहीं है निकल पड़ा। ऐसे है जीव, भव्य सम्य दृष्टि जीव, चाहे वो निगोदिया ही क्यों ना हो, मनुष्य नहीं निगोदिया ही क्यों ना हो, तब भी उसकी भूमि में मीठा पानी है। पर सजल पीने मत पहुंच जाना, अभी तुम्हें वो खेत ही दिखेगा। ऐसी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, त्रस, स्थावर यानी मार्गण स्थान में, गुणस्थान में, पर्याप्ति में, प्राणों के बीच में, 24 स्थानों पर जो तुम्हें जीव दिख रहे हैं, वे सभी अभी खेत खाली है, सूखी सूखी भूमि उड़ रही है, जमीन पे एक धूल, ये पानी नहीं है। तो इनमें आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो आपको पुरुषार्थ करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। भेद विज्ञान की अब तुम छेनी मंगाओ, उसके अंदर निर्णय करो, नक्शा बनवा पास कीजिए, ये सारी व्यवस्था तुम्हारे चाहिए पड़ेंगी। तब तो आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहेंगे, यशोधर सागर जी नाणीण झाण सिद्धि, नाणीण झाण सिद्धि, झाणीण निजरणम ठाणम, निजरण दो मुखम, निजरण दो मुखम, नाणाभ्यास तदो कुज्जा। कुंद कुंद भगवंत श्री रेण सार जी ग्रंथ में लिख रहे हैं, नाणीण झाण सिद्धि, पानी तो देख लिया था अब कैसे मिलेगा, नाणीण झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होगी, और झाणीण निजरणम, ध्यान से निर्जरा स्थान की प्राप्ति होगी, और निजरणम मुखम, निर्जरा से मोक्ष मिलेगा। इसलिए नाणाभ्यासो तदो कुज्ज, हे बालक इसलिए ज्ञान का अभ्यास करो, बिना ज्ञान के अभ्यास के ध्यान नहीं हो सकता, बिना ध्यान के निर्जरा नहीं हो सकती है, और बिना निर्जरा के मोक्ष नहीं हो सकता है, और बिना मोक्ष के अव्यावाद सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वे महान है नवीन, वे महान है नवीन, महान है नवीन, जो ध्यान की सिद्धि के लिए ज्ञान अभ्यास में तल्लीन है। इसलिए जितने श्रमण श्रमणिया, जितने श्रावक श्रावका हैं, इन्हें सबको स्वाध्याय ध्यान की सिद्धि के लिए करना चाहिए। तुम दिन भर स्वाध्याय करते रहोगे तो ध्यान कब करोगे, तो स्वाध्याय के बाद थोड़ा विश्राम करो, ध्यान में जाओ। पर कुंद कुंद भगवंत के सामने पुनः एक प्रश्न पहुंचा,
ये पंचम काल में चित्त शांत नहीं है, ये पंचम काल में चित्त शांत नहीं है तो ध्यान कैसे करें। तब कुंद कुंद भगवंत ने बड़ा सुंदर कहा, पंचम याले सज्जाओ झाणम, पंचम काल में स्वाध्यायी ध्यान है, स्वाध्याय करते रहो करते रहो, जहां चित्त में स्थिरता भई और तत्व का आनंद प्रारंभ हुआ, मित्र हुई तुम्हारा स्वाध्याय। इतने जीव एक साथ ध्यान कर रहे हैं, एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या नवीन इसमें आपको शंका है? आप चाहे सोमवार हो चाहे रविवार हो, जब सभा में उपदेश होता है और जब सभी श्रोता शांत हो जाते तो मुझे पूछना पड़ता क्या हो गया। उस समय जो श्रोताओं की अवस्था है, ऐसी एकाग्रता जो बनी है, मित्र वही उसका ध्यान है। कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ सामने होने पर भी कुछ भी नहीं दिखता, यही जीव की ध्यान साधना का योग है। इसलिए पल पल में स्वाध्याय का अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो, अन्य किसी भी क्रिया से आपको निर्वाण नहीं होगा, अंतिम लक्ष्य ध्यान है। और जैन दर्शन में जिस ध्यान को इतनी मुख्यता से देखा गया है, वहीं लोग ध्यान से दूर होते चले जा रहे हैं और क्रिया कांडों में अग्रसर होते चले जा रहे हैं, जबकि क्रियाधारा गौण वृत्ति है, ध्यान धारा प्रधान वृत्ति है। जो ध्यान धारा में प्रवेश करने में असमर्थ हैं, उन्हें क्रिया धारा में लगे रहना चाहिए, अन्यथा ध्यान भी नहीं कर पा रहे हो, वो क्रिया छोड़ के बैठ गए तो पांच पाप में तल्लीन हो जाओगे। ज्ञान नय क्रिया नय, इसलिए ज्ञान नय क्रिया नय। श्री आचार्य अमृत चंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका श्री समय सार जी में ज्ञान ने क्रिया नहीं की व्याख्या की। जो संन्यास है वो ज्ञान नय का विषय है, जो संन्यास है वो ज्ञान नय का विषय है, जो चारित्र है वो क्रिया नय का विषय है। सुनोगे क्या आप लोग? जो संन्यास है वो ज्ञान नहीं है, जो चारित्र है वो क्रिया नहीं है। तेरे प्रकार के चारित्र का जो पालन योगी कर रहा है व्यवहार में, वो क्रिया नहीं का विषय है। किसी को अन्य दर्शन ने क्या किया? ज्ञान कांड और क्रिया कांड दो शब्द का प्रयोग किया, तो वेदों को उन्होंने क्रिया कांड में रखा और उपनिषदों को ज्ञान कांड में रखा। जैन दर्शन सनातन काल से कह रहा है, जो विकल्पात्मक भूमिका है वो क्रिया न है, वो निर्विकल्प भूमिका है वो ज्ञान न है। अब क्रिया ने में सामायिक करना है, प्रतिगुण करना है, स्वाध्याय करना है, प्रतिज्ञान करना है, ओहो स्तुति करना है, वंदना करना है, ये किसका विषय आएगा? ये क्रिया ने में जाएगा, क्रिया ने। संन्यास ज्ञान ने। अब संन्यास शब्द को सुमति पांड्या ने इतना सरल कर दिया राकेश, कि कोई एक एक्टर
फिल्म बनाना बंद कर दे, बोले सन्यास ले लिया। हमारे मोदी जी ने चुनाव से दूरी हटा ली, बोले सन्यास ले लिया। क्रिकेटर कोई है, उसने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, बोले सन्यास ले लिया। सुनो, सन्यास ले लिया। आपने सन्यास शब्द को सामान्य में रख लिया है, जबकि सन्यास जो है ये सामान्य नहीं है। सबसे बड़ी साधना कोई है तो सन्यासी की है। और जैसे सन्यासी शब्द आता है तो पीयूष जैसे पंडित एक वस्त्र विशेष के पहनने वालों के पास पहुंच जाते कि वो सन्यासी है। है मित्र, वो सन्यासी नहीं है। जो सन्यासी होता है वो भेष में नहीं होता है। जो सन्यासी होता है वो भेष में नहीं होता है। भेष तो क्रिया वाले प्राप्त कर चुका था। भेष का भी अभाव जिसके भाव में हो जाता है, भेष का भी अभाव जिसके भाव में हो जाता है। भाव भाव में न्यास होता है, भावांतर छिद हो जाता है। नमस्मि साराय स्वानुभूतात्काक्षीय चिच्छु भावाय भावाय श्री भावांतर छिदे। ये सन्यासी की भूमिका है। जहां नमः विकल्प का भी विकल्प नहीं है, फिर भी नमस्कार भी है, तो नमस्करणीय और नमस्कार एक ही होता है। वहां नमस्करणीय नमस्कार जो एक ही है वहां संन्यास है। वंदनीय वंदक एक ही है, उसका नाम समय सार है। इसमें मोदी जी आप सुन रहे हो जैन दर्शन का, जैन दर्शन का उत्कृष्ट अध्याय। जहां वंद वंदक भाव के विकल्प का अभाव है, मोक्ष संसार का विकल्प समाप्त हो चुका है। जहां पर तो मेरे मित्र मात्र 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 सूर्य अपने प्रताप में है, कमल नहीं खिला रहा, कमल खिलता है। यहां पर तो सूर्य अपने प्रचंड प्रताप में है, कमल को नहीं खिला रहा, कमल खिलता है। ऐसे मोक्ष नहीं जाता योगी, मोक्ष होता है। योगी अपने निज में रमण करता है, मोक्ष नहीं होता। आज तक किसी पिता ने संतान को जन्म नहीं दिया, ये तो समझ में आ जाएगा। आज तक महावीर बाकलीवाल जी, आज तक किसी पिता ने संतान को जन्म नहीं दिया। जो भी पिता बने हैं भाग्य से बने हैं, आपके द्वारा नहीं बने। आपके अंदर जो कर्तव्य आया है वो काम सुख की इच्छा की पूर्ति थी, वो होके समाप्त हो चुकी है। संतान ने तो जन्म लिया है। ऐसे योगी सच्चा योगी होता है, वो बैठा बैठा मोक्ष की माला नहीं फेरता कि मोक्ष होगा मोक्ष होगा, नहीं 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 नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ नहीं। वो संन्यास में लीन होकर के अपने आनंद कंद ज्ञान घर समृषि भाव में तल्लीन होता है। तब ज्ञानी अंदर सूत्र गूंजता कुशल सतवो। क्या हुआ महात्मा सिंधु? कुशल सत्वो, कुशल पुरुष तपस्वी होता है। कुशल पुरुष तपस्वी होता है, कुशल पुरुष तपस्वी होता है। भैया विश्वासवान, ये तत्व को सुनने का अवसर मिलना भी तुम्हारा कोटि कोटि भवों का पुण्य है। नहीं तो भाषा ही सुनने को नहीं मिलती, भाषा ही सुनने को नहीं मिलती। क्या हुआ?
कुशलस्य तपो, कुशल पुरुष तपस्वी होता है, कुशल पुरुष ही तपस्वी होता है, अकुशल तपस्वी नहीं हो सकता। आजीविका में जीवन निकाल लेगा, कुशल पुरुष तपस्वी होता है। कुशल शब्द सुना आपने, कुशल शब्द। एक नदी के किनारे बीहड़ों में, बीहड़ों के अंदर नदी के किनारे, पंडित जी आप बरासों जाते हो, रास्ते में बहुत कोसा मिलता है, एक घास है। आप वैशाली में थे, महावीर स्वामी की भूमि पर, वहां पर जंगलों में लंबी लंबी घास खड़ी थी, वो कुश थी। यदि सावधानी नहीं बरती, शरीर तुम्हारा रक्त से युक्त हो जाएगा, लू लाहौन हो जाओगे। वो जो कुशल शब्द की रचना कैसे होती है सुनिए। कुश घास है, और कुश घास को जो लेने जाता है वो हाथों में वो पहन के जाता है। तो कुसुम लाती थी कुशला, कस प्रकार कुसुम लाती, यहा स्वहस्तेन बिना दंत्रण सुहस्तेन सुलभेन अरक्तेन अच्छीण करण, या कुसुम लाती श कुशला, यहा जनह यहा जनह कुसुम लाती रक्तेन हस्तेन रंजितम सा न कुशलम अस्ति, सा न कुशलम अस्ति, सा अकुशलम एव अस्ति, कुशलम एव अकुशलम एव अस्ति। यह पुरुषा न छिन्दन्ति हस्तेन न रक्तेन निर्गता सा कुशला। जो पुरुष हाथ छिले बिना, रक्त बहे बिना, वो कुश को लेके आ जाए बिना बिना हंसी आके, और बिना मेरे मित्र हाथ में कुछ पहने कुश को लेके आइए। तो छात्र जाते हैं और उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा है कुश लेके आना है, तो सीधे गए बेचारे, ऐसे पकड़ लिया, और जैसे पकड़ा सो पान रक्त की धार बह गई हाथों में। ओहो हो, अब तो आप समझ गए ना, वैशाली में बहुत कुश था। इनको मैंने क्यों बोला, इनके जंगलों में डांगों में बहुत कुश है आपके यहां, सिंधु वैशाली केसली नदी के किनारे कुश ही कुश है बराबर। अब आइए मित्र, कुश। एक छात्र उसमें से गया, बोले गुरुजी ने कुसा मंगाया है, इसका मतलब कुछ अवश्य होना चाहिए, रेस। इतना चतुर था, इतना चतुर था, उन्हें ये थोड़ी कहा था तुम पोटली बांध के लाना, उन्होंने तो ये कहा कि कुछ लाइए आप, तो बे गए एकदम रक्त से रंजित। एक छात्र गया, उसने देखा गुरु ने कुछ बोला तो जरूर कोई परीक्षा होगी मालूम। उसने एक कुश का एक कुश ऐसे नहीं पकड़ा, एक कुश उसने अपने नाखून से पकड़ा, और नाखून से पकड़ करके वहां दबा लिया, और धीरे से दूसरे हाथ के नाखून से उसने ऐसे ऐसे किया, कुश हाथ में आ गया, कटा भी नहीं छिला भी नहीं, और ला करके मुस्कुरा करके बे सारे के सारे चेहरा ऐसे बनाए थे, गुरुजी लो कुश, गुरुजी लो कुश, कुश तो दे रहे थे, खुश नहीं दिख रहे थे। गुरुजी जो अकुशल लोग थे ना, वे कुश तो लाए पर खुश हो के नहीं लाए, जो कुशल था कुश भी लाया और खुश भी आया। गुरुजी खुश हो गए, बेटा तू ही कुशल है, बिना रक्त बहाए कुसा लेके आ गया,
इस शब्द की उत्पत्ति तब होती कुशल। तो मित्र कुशल हो, सन्यासी, सन्यासी कुशल होता है, तपस्वी कुशल होता है। शरीर सुखा के बैठ गए, कसाएं सुखा नहीं पाए, अकुशल। जिसने प्रणाम भी सरल किए, शरीर को भी सुखाए, तपस्या किए और समाधि के नजदीक गया है, कुशल तपस्वी है। जो मृत्यु के अंतिम समय, मृत्यु के अंतिम समय नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जाणम का पाठ कर रहा है और नमो लोहे सूषणम कहते ही ओम। जीवन में हम कैसे जिए ये मुझे मत देखो, जीवन में आप कैसे जिए ये मत देखो, अंतिम जीवन कैसे जियोगे ये देखो। आज शांति सागर ने अंतिम उपदेश दिया था, मोदी जी चिन्मय सागर ने अंतिम उपदेश दिया था, मुझे तो पीयूष ने, भोले ने बताया कि ऐसी स्थिति है, तो मुझे मालूम चला। जब इन लोगों ने मुझे बताया कि गुरु जी ऐसा हो रहा है, तब मुझे मालूम चलने वाली वो जो व्यक्ति अंतिम समय में ये कह सके ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, प्रपंच शून्य हो जाए, संन्यास कुशल सन्यासी व्यवहार का, निश्चय का कुशल सन्यासी। नमः श्री, नमः समय सारा, श्वान भूत्वा चिकाक्षी, श्वान भूति के प्रकाश में तल्लीन है, चिस् सुभावाय भावाय, चेतन चिद ब्रह्म चेतन पिंड ज्ञान घन भगवान आत्मा ही जिसका स्वभाव है, स्वभावांतरच्छते, स्वभावांतरच्छते। मत पूछने आना सरवार सागर जी, विचित्र पर लाएंगे गुरु जी, कुछ कहना क्या है मित्र, मत पूछने आना, समाज से कुछ कहना क्या, संघ से कुछ कहना क्या, कुछ नहीं। गण गच्छ, गण गच्छ संघ, ये तभी तक है जब तक विवाह दृष्टि में जी रहे हो। परमाश से तो गुण संगो ही संगो, मेरे चेतन भगवान आत्मा में जो गुण है वो ही मेरा संग है। इस दृष्टि से निर्घंत योगी कभी एकल विहार नहीं करता, निज आत्मगुणों के संग में रहता है। गुण संगो ही संगो, संगने संगने संगो, संग यानी परिग्रह, संघ चतुर्विध संघ, तो गुण संगो ही संगो, गुणों का समूह ही संग है। रत्नत्रय ही गच्छ है, रत्नात्र ही गक्ष है, अनंत चतुष्ट ही गण है, अनंत चतुष्ट ही गण है, यही मेरा चतुर्विध संघ है। ऐसे सन्यासी जो संलेखना पर है, संसार आरूढ़ है, संथारा से भरा युक्त है, वह है साधक। देह के रोम रोम से अपने को भिन्न कर चुका है राकेश पंडित जी, वो सन्यासी रोम रोम से अपने को भिन्न कर चुका है। कैसे कैसे बोला देख इधर भाई, कैसे? जैसे एक सियानी माँ, बुंदेलखंडी सत्य, जैसे एक सियानी माँ थाल में गेहूं लिए,
सोले का गेहूं, आप लोग सीधा तो नहीं पीस देते ना? हाँ हाँ सियानी मानी पी सकती, पहले वो प्रासुक पानी में धोती है, बिनती है। अब जब थाल में रख करके, बड़े थाल में कुपरा में, और एक एक दाना सरकाती जा रही है, एक एक दाना सरकाती जा रही है, उसके अंदर से कंकड़ अकरी अन्न कोई घास के दाने सब हटाती चली जा रही। ऐसे बोरे के बोरे उसने साफ कर दिए। सुनो ध्यान से, एक सौ अड़तालीस कचड़ों के बीच में, 148 कचड़ों के बीच में छिपी थी मेरी भगवान आत्मा। एक एक अंगुल में 96 रोगों से ग्रसित उनके बीच में फंसी थी आत्मा। जैसे माँ गेहूं के दानों से कचरा अलग कर रही है, ऐसे वो सन्यासी एक एक आत्मा के प्रदेश को बीन रहा है, एक एक आत्मा के प्रदेश को बीन रहा है कि मेरी आत्मा के अंदर जितनी असमान जाति अवस्था है, ये सब मेरे से पृथक है। धन धरती को अपने से भिन्न कहने वाले साधु तो गलियों में बहुत घूमते हैं, धन धरती स्त्री पुत्र को अपने से भिन्न देखने वाले साधु गलियों में बहुत घूमते हैं। जो संश्लेष संबंध से युक्त हो और ज्ञानी कर, वो आत्मा में जो दूध पानी की तरह संश्लेष भरा हुआ है, उसके अंदर बैठ करके अपने एक एक आत्मा के प्रदेश को कर्म प्रदेश से भावांतर छेदे, भावांतर से भिन्न निहार रहे, छान रहे हैं, बीर रहे हैं, उसका नाम है सन्यासी, सत्यन्यासी, सत्यन्यासी, सत्यन्यासी। ताका न हो जाता तब बनता सन्यासी, सत्यन्यासी, सत्यन्यासी। सुसत में जिसका न्यास है, सुसत में जिसका न्यास है, उसका नाम है सन्यासी। मैं भी एक न्यासी बनने जा रहा हूं। आप लोग न्यासी हो क्या? अनिल कासलीवाल जी न्यासी नहीं हो? किसी ट्रस्टी के न्यासी नहीं हो? मोदी जी न्यासी हो? कोई ना कोई न्यास तो बनाए होंगे ना मित्र। बस मैं भी अपना न्यास बनाए हूं। पर ध्यान रखना, अधूरी बात में सुनो, बोले भैया यज्ञ निर्माणी हो, पारस चैनल चल रहे, बोले विशुद्ध सार का न्यास, अभी तक तो सुना था इनके पास कुछ नहीं है। मित्र मित्र तुमने ठीक सुना, कुछ नहीं है। पर जिस न्यास की हम व्याख्या कर रहे हैं, उस न्यास पर ही ध्यान रखना। न्यास नवीन, बिना न्यासी बने तू भगवान नहीं बन सकता मित्र। मेरा भी एक न्यास है, पर विश्वास रखना, न भारत की भूमि पर, न किसी विदेश की भूमि पर वो न्यास नहीं है हमारा। तो भूले सोच रहा होगा कि आजकल लोग मंगल ग्रह पे ज्यादा दौड़ रहे हैं, चंद्रमा की ओर दौड़ रहे हैं, वे सब झूठे लोग हैं। परंतु मेरे मित्र, उधर भी मेरा न्यास नहीं है। जिस भूमि पर मेरा न्यास है, उसमें कोई भूमि में, उस भूतल पर न मिट्टी है, न पत्थर है, न सोना है, न चांदी है, कुछ भी नहीं है, कोई धातु नहीं। और मालूम, विश्व की कोई भी सरकारें हमारे सन्यास को तोड़ नहीं सकती, छीन नहीं सकती, बिल्डोजर नहीं चला सकती मेरे सन्यास पर। कोई भी सरकारें, मोदी की सरकार भी है ना, प्रकाश मोदी की, मित्र इनके नाम राशि की जो सरकार है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। अपूर्व मोदी ज्ञानी, जितनी जगत में सरकारें, कोई भी सरकार मेरे न्यास पर कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरा न्यास जो है वो चैतन्य भूमि पर है, उसका नाम है संन्यास।
भावांतर अच्छे ही चिदि ब्रह्म का चिंद ब्रह्म में जो स्थापित है योगी की धारा उसका नाम है संन्यास। यह है सन्यासी की व्याख्या। ऐसा न्यासी जो है वो पहुंचता है अष्टम अवस्था पर, जिसकी आराधना करते हैं कौन? सर्वेशम परम पुरुषाणाम मोक्ष एवं ध्याय। परम पुरुष जितने हैं सभी सभी उसका ध्यान करते हैं। इति प्रतिपादति उन सब का ध्येय है। हरि हरि ब्रह्म विजिनी भराई मुनिवर चिंत विभू पुरमुनिरंदनी मनुचरवी मुखुजी जाये शोव। यहां पर कह रहे हैं हरि हर ब्रह्म ब्रह्मणोपी चा जिनवरम जिनवर देव मुनिवरम मुनिवृंद ऐसे भव्य जीव परम निरंजन मनधर्मी ऐसे परम निरंजन स्वरूप को मन में धारण करके मोक्षम एव ध्यायन्ति सर्वे ये सभी मोक्ष का ध्यान करते हैं। कितनी मुनिगण हो चकोर जमीन पर रहता चिंतन में चांद को देखता है ऐसे ये मुनिवर धरती के देवता धरती पर घूमते हुए भी मोक्ष तत्व को देखते हैं। धन्य बची बाल हो वृद्ध हो अहर्निश अहर्निश ग्रह वैराग्य उदय वैराग्य बोले लिख भाई देह वैराग्य ग्रह वैराग्य ग्रह वैराग देह वैराग कसा है वैराग आशा का वैराग। डॉक्टर साहब देह वैराग ग्रह वैरागी बहुत होते हैं, घर छोड़ के भाग पड़ते हैं। ग्रह वैरागी ग्रह वैरागी घर छोड़ के भाग पड़ते हैं। उन्हें रुकना चाहिए थोड़ी देर, अभी ग्रह वैराग हुआ है और 24 घंटे शरीर को देखें, 24 घंटे शरीर को देखते रहे, अरे मेरे शरीर कमजोर हो रहा है। अरे भाई सारस्वत ग्रह वैरागी बहुत है, देह वैरागी ग्रह वैरागी हो गए और शरीर से भी चलो शांत हो गए, अब राग वैराग कसाय वैराग। ओहो पीयूष आहार देने जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूं? हार्दिक आगे तो मैं ही खड़ा होऊंगा। आहा बालक देह वैराग ग्रह वैराग कसाय वैराग का क्या हो रहा है? मेरे प्रभावना क्षेत्र में ये भोले प्रवेश क्यों कर गए? हे जीव कसाय वैराग। मोदी जी बहुत कठिन साधना कसाय वैराग। इसलिए पल पल में मित्र कसाय वैराग नहीं हो रहा, कसाय सता रही है, तो पल पल में जिनवाणी का वाचन करते रहना चाहिए। जैसे माताएं प्रतिदिन घर में झाड़ू लगाती रहती हैं सुबह शाम, उन्हें मालूम है कचरा पुणे हो जाएगा कचरा पुणे हो जाएगा, इसलिए कुछ समझदार होती तो झाड़ू भी लगाती पोछा भी लगाती। तो ऐसी प्रतिकरण करो प्रतिज्ञान करो, झाड़ू और पोछा दोनों हो गए, प्रतिकरण भी करो और प्रतिज्ञान भी करो। प्रतिकरण किया प्रतिज्ञान नहीं किया तो तुमने झाड़ू लगा के छोड़ दिया, पोछा नहीं लगाया। प्रतिकरण प्रतिज्ञान
जैसे मुनिराज प्रतिकरण प्रतिज्ञान करते ना, श्रावकों को भी करना चाहिए। सब श्रावकों को प्रतिकरण करना चाहिए दिन में 3 बार। मुनिराज दिन में 3 बार प्रतिकरण करते, दिन में 3 बार देवीशिक रात्रि इरियापत, कम से कम एक ही बार कर ले करो, कम से कम 3 बार नहीं कर पाओ लेकिन करो, सुबह शाम 3 बार ब्रह्मचारी करो, 3 बार प्रतिकरण करो। और 7 प्रतिकरण होते, 7 देवीशिक रात्रिक पाक्षिक चातुर्मासिक वार्षिक उत्तमार्थ, कितने हो गए? इरियापात। ये 7 प्रतिगुण है। अंतिम प्रतिगुण की तैयारी करते रहना चाहिए। अंतिम प्रतिगुण होता है, उसका नाम है उत्तमार्थ प्रतिगुण। उत्तमार्थ प्रतिगुण मतलब संलेखना के पहले प्रतिगुण करना, फिर स्वच्छ होके जाना। मालूम, जैसे कोई व्यक्ति ना धोकर के ससुराल जाता है, ऐसे ज्ञानी योगी प्रतिकरण में ना धोकर के सिद्धालय की ओर जाते हैं, संलेखना करते हैं। क्या? इसलिए ओहो ऐसा वैराग, अच्छी धोती मिल जाती, अच्छा भोजन मिल जाता, अच्छा कोई विशेष मोबाइल मिल जाता। हे मित्र, लैपटॉप क्या क्या पेटे आने लगे हैं, जितनी भौतिक सामग्रियां हैं इनकी आशा से दूर होना, ये आशा वैराग है। बोला भैया, आशा वैराग। अब खोजो स्वयं पीयूष भाई, उभय पीयूष, अब खोजो वैराग हुआ कि नहीं हुआ। अब खोजो मित्र, मोबाइल में स्वाध्यान नहीं होता, ध्यान में माल नहीं होता है, ध्यान में ध्यान, मोबाइल में मोबाइल। बेटा तब खोजना पड़ेगा कि जितने ब्रह्मचारी हैं सब सामयिक का अभ्यास करो, अन्यथा विश्वास रखो, अभी तुमको लगता कि मैं बहुत सुखी हूं, कोई वैराग्य नहीं यदि सामयिक नहीं कर रहे। सामयिक के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, बिना सामयिक के मोक्ष 3 काल में नहीं होगा। सामयिक शिक्षा व्रत, सामयिक प्रतिमा, सामयिक संयम, 3 जगह सामयिक रखा हुआ है, इतना महत्व सामयिक का। सामयिक शिक्षा व्रत, सामयिक प्रतिमा और सामयिक चारित्र। बिना सामयिक के तो भगवान का नाम भर लो लो लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। मोच चाहिए तो पवन सामायिक करना पड़ेगी। ईमानदारी वाली दीक्षाओं विदिशाओं में दिग्वंदना करके सो जाना, ये वाली नहीं, ईमानदारी की सामायिक। वे धन्य जीव, वे माता बहने भाई बंधु जो दिन में 3-3 बार सामायिक कर रहे हैं, धन हो। योगी महायोगी 24 घंटे में 4 बार सामायिक करते, दिन के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे, सुबह को शाम 4 बार। और धन्य वे योगी सर 24 घंटे सामायिक करते हैं, इनका सामायिक संयम है, जे निर्गंत मुनिराज है, सामायिक चारित्र है इनका। 24 घंटे सामायिक, समता सर्वभूतेषु संयमाशु भावना आर रोध परित्यज्य तदति सामायिकमतम। कब होगी विशाल? जब निकली की चटाई पर तुम्हारी चटाई छू जाए तब भी भावना बिगड़े,
बेटा तब कहलाएगी समाई। आइए, परंतु बिना जितने वैराग्य हमने आपको गिनाए, ये वैराग्य जब तक नहीं होंगे तब तक मुनि की सामायिक नहीं होगी। इसलिए मालूम नवीन इन लोगों ने क्या किया, अरे स्वाध्याय मत करो, अच्छे अच्छे ग्रंथ समा श्रावकों को मत सुना। बोले क्यों, यदि श्रावक ज्ञानी हो गए तो हमारी सामाय पर उंगली उठाने लग जाएंगे, इसलिए आप तो हमारे जैसे जियो, तो हमारे हम कुछ भी करें तुम कुछ नहीं कह पाओगे। कन्नू भाई, सामायिकी मुनि बनना है, सामायिकी मुनि बनना है कि सामाजिक मुनि बनना है? सुनो भोले, एक नया 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 विषय क्यों नहीं सुनता भाई? ये कन्नू भाई से मैंने पूछा, मित्र तू सामायिकी मुनि बनना चाहता है कि सामाजिक मुनि बनना चाहता है? पुणोत, सामायिकी मुनि कि सामाजिक मुनि? 24 घंटे समाज में डूबे हैं, वे सामायिकी मुनि नहीं सामाजिक मुनि है, और 24 घंटे अपनी सामायिक में डूबे हैं, वे सामाजिक नहीं है सामायिकी मुनि है। तो मोक्ष जाने वाले सामाजिक मुनि नहीं जाएंगे, उनके लिए स्वर्ग ही बहुत है, मोक्ष के लिए तो सामायिकी मुनि चाहिए, सामायिकी। लोकोत्तर लौकिक। आइए मित्र, आनंद आया भैया? तो कौन सा मुनिराज बनना आपको? सामायिक की कर प्रयास, बाकी व्याल जी से तू ले ले आज्ञा। कोई टेंशन नहीं, बोले पिताजी बहुत देख लिया संसार, अब सामायिक ही मुनि बनना है। तो कन्नू एक काम कर लो, 24 घंटे में एक माला फेर लिया कर भाई, ठीक है? तो इससे तुमको सामायिकी मुनि बनने का अभ्यास प्रारंभ हो जाएगा। कितने लोग इस सभा में ऐसे बैठे हुए हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक माला फेर लेंगे? तुम्हें नमोकार की फेरने में चिंता सता है तो ओम की माला फेर लेना, परंतु फेर लेना, ठीक है? बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, चातुर्मास सफल हो गया, इतने मुनि लोगों ने सामायिक का नियम ले लिया। हो हाँ, हम उसे चातुर्मास की सफलता नहीं मानते कितने बैंड बजे हैं, हम उसे मानते हैं कितने लोग संयमी बने हैं। आइए, हरिहर ब्रह्मा दिया, जो हरिहर ब्रह्मादि जिनवर मुनिवर सभी ध्याते हैं, परम निरंजन निज आत्मदेव को मोक्ष के लिए, हरिहर हरिहर ब्रह्मणोपी जिनवराणम जिनवरापी मुनिवृंदवम नमपि भव्य देश शेष भव्य अपि, मुनिवृंद यानी मुनि समूह और अन्य भव्य जीव भी, एते सर्वे किम कुर्वन्ती, सभी क्या करते हैं? परम निरंजन अभिधाने, परम निरंजन अभिधान निज परमांश रूपे, निज परमांश रूप में मन धार्य धारवी विषय कसायशु गच्छै सद, विषय कसाय गमन करते सद व्यावृत्त, उससे निज को हटा करके धृतता पश्चात मोक्ष एव जायंती। महात्मा साम्य सागर जी, मोक्ष एव जायंती, जो मोक्ष को ध्याते हैं, स्वाध्यमी मून नहीं तो मोक्ष कैसे जा पाएंगे? ध्यायंती सर्वे सर्वे पिति सबदहा। मित्र, भगवत आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामिना, पूज्यपाद स्वामी ने कहा, बालक बालक ज्ञान का पाचन भी आवश्यक है, जैसा खाया वैसा निकल गया तो रोगी है, जैसा खाया वैसा निकल गया तो रोगी है, पाचन जरूरी है, इसलिए बालक तुरंत ही निकालने लग जाना विद्या को, अभी रोगी है। सुन भाई, जनेभ्यो वाक स्पंद मनसा चित्त ब्रह्ममा, जनेभ्यो वाक स्पंद मनसा चित्त ब्रह्ममा तस्मा जना योगी तथात ये, हे योगी अहो जैन योगियो, जगत से बातें करने से
चित्त भ्रांत होता है, मनसा चित्त ब्रह्म को प्राप्त होता है मन और चित्त। इसलिए हे श्रमणो, जन संपर्क जन वार्ता से दूर हो जाओ यदि अपनी आत्मा को स्थिर करना चाहते हो तो। सुमति, जितना मित्र तू एकासन कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे भोजन का एकासन है ऐसे भाषण का भी एकासन करना। जो जीव साधक जितना कम बोलता हो मोल ले लेता है, विश्वास मानो उसकी बुद्धि विवेक ज्ञान यश सब बढ़ता है। इस उधर एक महीने का क्या, तुम तो जीवन भर का ले सकते हो। तो मालूम सबका विकास होता है। अपमान तो कभी उसके पास पैर नहीं रख सकता। अपमान तो नवीन जो व्यक्ति शांत बेटा बोलते नहीं है, अपमान कभी उसके घर नहीं आता। अपमान उनके घर में आता है जो मौन रहना नहीं जानते। उन्हें मालूम ही नहीं है कहां बोलना चाहिए कहां नहीं बोलना चाहिए। जहां देखो वहीं सौरभ बोलना शुरू, तो उनको तो अपमान मिलनी है। वो सौरभ पर्वत वाला नहीं, सौरभ मढ़ावरा, मतलब ये कुछ भी बोलो तो ये लोग मालूम पवन पवन दोनों क्या करते हैं। है जीव, अपमान हुआ प्रवेश नहीं करता जिसके पास मौन साधना है। सम्मान हुआ प्रवेश नहीं करता जो जगह जगह बड़बड़ाता रहता है।